नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश और विदेश की फटाफट खबरें। एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत कानपुर में महिला सिपाही से छेड़खानी, पिटाई के बाद बोला आरोपी, मैं सुसाइड कर रहा। कानपुर के ककवन में एंटी रोमियो अभियान के तहत सामने आई घटना, महिला पुलिसकर्मियों ने युवक को मारा थप्पड़ और दी चेतावनी। मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन, नशीली दवा MD रखने के आरोप में 4 गिरफ्तार, 1 हिस्ट्री सीटर समेत 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त। धारावी झुग्गी बस्ती निवासी आरोपी आरिफ नसीर शेख, अब्दुल रहमान शेख, इकबाल अली शेख और फिरोज शेख के रूप में हुई है पहचान। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 13 जिलों को 26 जिलों में बांटते हुए गजट नोटिफिकेशन किया जारी। सभी नए जिले 4 अप्रैल सोमवार से होंगे शुरू। YS जगन रेड्डी की YSR कांग्रेस सरकार ने प्रकाशित की अधिसूचना। पहले उतारा मौत के घाट, फिर सब के साथ किया बलात्कार, यूपी पुलिस ने सुलझाया मामला। हत्याकांड की गुत्थी, चोरी की मंशा से घर में घुसे बदमाशों ने पहचाने जाने पर गला रेस कर उतारा था मौत के घाट। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में शुरू हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी। खरीदी के लिए की गई व्यापक व्यवस्थाएं, मंडियों में गेहूं का मूल्य 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा, जबकि सरकार ने समर्थन मूल्य 2015 रुपये तक कर दिया है। 16 मई तक चलेगी खरीदी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास DP पहुंचे भोपाल, 5 बूथ कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। कांग्रेस को 65,000 मतदान केंद्र पर 5 युवाओं की टीम करनी है तैयार। मध्य प्रदेश में 14 दिनों में 12वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, उपभोक्ता परेशान। सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे की बढ़ोतरी के बाद CNG की कीमतों में भी 80 पैसे का आया है उछाल। 1997 नए बैच के IPS नवीन अरोड़ा अब उत्तर प्रदेश ATS के होंगे नए चीफ। अब तक ADG STF अमिताभ यश के पास था ATS का अतिरिक्त प्रभार। सोमवार को उत्तर प्रदेश शासन ने नवीन अरोड़ा की ATS चीफ के रूप में की है तैनाती। 1433 मीटर लंबा फ्लाईओवर कटनी में तैयार, अब नहीं लगेगा घंटों जाम। कटनी रेल लाइन फाटक के दोनों ओर सड़क पर लंबे जाम से निजात पाने के लिए रेल ओवर ब्रिज बनकर हो गया है तैयार। प्रदेश का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होने का किया जा रहा है दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार 7 अप्रैल को करेंगे लोकार्पण। पवन एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से कई ट्रेनों पर पड़ा असर, स्टेशन पहुंचने से पहले ही नंबर जारी। नासिक के पास पवन एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरते ही पश्चिम मध्य रेल जबलपुर से गुजरने वाली कुछ गाड़ियां हुई प्रभावित। शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का पालन क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने ठोका 10,000 रुपए का जुर्माना। कोर्ट की एकल पीठ ने कई अवसरों के बावजूद सरकार की ओर से जवाब न आने पर ऑफिसर इंचार्ज पर 10,000 रुपए का लगाया है जुर्माना। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को, व्यक्तिगत तौर पर प्रमुख सचिव को मामले में हाजिर होने के दिए गए निर्देश। हार्ट चेकअप एवं स्ट्रोक होने पर मरीज को कहीं भी प्राथमिक उपचार देकर उसकी बचाई जा सकती है जान, इसके लिए एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्ञान होना जरूरी। जबलपुर जिले के मझौली तहसील के ग्राम इंदिराना में 3 दिवसीय नाट्य समारोह का हुआ आयोजन। ग्रामीण अंचल में 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश के संभवतः पहले और संपूर्ण देश भर के कुछ बद्रीनाथ समारोह में से होगा एक। इंद्राणा के जीविका आश्रम में रंग फागुन के नाम से आयोजित होने जा रहा है यह राष्ट्रीय नाट्य एवं कला समारोह। रंगकर्म को शहर से विस्तारित कर गांव तक ले जाने का है प्रयास। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने की चौथी पीढ़ी की राजनीति में एंट्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया को मिली ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष की जगह है। जल्द ही आर्यमन की राजनीति में हो सकती है एंट्री, हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं। कोरोना केस सामान्य होने के बाद प्रदेश में छात्रावास और कॉलेज खोले गए, खुलते ही रैगिंग के प्रकरण की हुई शुरुआत, मैनिट में रैगिंग मुद्दा गरमाया। प्रबंधन ने मांगी एंटी रैगिंग कमेटी से रिपोर्ट, छात्रों से पूछताछ जारी। राजधानी में स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 28 फरवरी को छात्रावास खोलकर शुरू की गई थी ऑफलाइन क्लास। छात्रा की शिकायत पर UGC की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पर 21 मार्च को दर्ज कराई गई थी शिकायत। विद्यार्थियों ने हेल्पलाइन पर शिकायत में कहा था कि सीनियर छात्रावास में आकर मानसिक तौर पर करते हैं प्रताड़ित। मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील के गांव मेलखेड़ा की युवती नेहा ने रचा इतिहास, गांव के बच्चों के शहर से पीछे होने की कसक ने बना दिया ट्विटर।
केविन गांव के बच्चों को कुछ न कुछ करने की तमन्ना ने खड़ा किया प्लेटफॉर्म। 500 से ज्यादा टीचर और 87,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े। सालाना टर्नओवर हुआ 50 लाख रुपए। 56 साल की उम्र में पत्रकार से शादी करने जा रही आईएएस अफसर सेलवाना मार्टिन। एमपी कैडर की सीनियर आईएएस जल्द बंधेगी शादी के बंधन में। 2009 के बैच की आईएएस अफसर 56 की उम्र में 57 साल के पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक से करने जा रही है शादी। स्टाफ को सैलरी देने के लिए रेस्टोरेंट मालिक ने किया पड़ोसी की पत्नी का अपहरण। गुजरात के गांधीनगर जिले में अपहरण का चौंकाने वाला मामला। कलोल कस्बे के पंचवटी स्थित सरस्वती सहकारी समिति में अपहरण की घटना। महिला शिक्षक के 35 वर्षीय पड़ोसी मितुल पटेल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वेतन वृद्धि की मांग कर रहे अपने 4 कर्मचारियों और 3 अन्य के साथ मिलकर पड़ोसी ने रची थी महिला शिक्षक के अपहरण की साजिश। उत्तर प्रदेश पुलिस का डर। मैनपुरी में पोस्टर लेकर सरेंडर करने पहुंचे बदमाशों ने कहा पुलिस हमारा कर देगी एनकाउंटर, हमें बचा लो, हम लुटेरे हैं। सुनील कुमार और उनकी पत्नी कुसुमा देवी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सरेंडर। प्रमोद और सतीश ने किया सरेंडर। चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव की जमानत को सीबीआई ने दी चुनौती। झारखंड सरकार भी बनी पक्षकार। आरजेडी नेता और चारा घोटाला के अपराध में दोषी करार दिए गए लालू यादव का चारा घोटाले के ही 2 मामलों में मिली जमानत को सीबीआई ने कोर्ट में दी है चुनौती। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 18 अप्रैल तक रहेंगे जेल में। घर का खाना और दवाइयों की मिली हुई है छूट। घर के बाहर सो रहे युवक को जेसीबी ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में हुआ भयानक हादसा। शहर के वार्ड क्रमांक 2 में जेसीबी की चपेट में आने से युवक सुग्रीव की हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ रायपुर में डकैती की बड़ी घटना। परिवार को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए से अधिक के जेवर लूटकर भागे डकैत। राजधानी के साई वाटिका कॉलोनी में दवा कारोबारी के घर बंधक बनाकर डकैतों ने दिया घटना को अंजाम। दवा कारोबारी दिनेश कुमार साहू की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। 7वें वेतनमान कैरियर की मांग पूरी। गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की हड़ताल समाप्त। लिखित आश्वासन के बाद सभी डॉक्टर अपने काम पर लौटे। विंध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक नारायण ने किया आह्वान। घर मंदिरों में सुंदरकांड पाठ और एक दीप विंध्य के नाम जलाएं। प्रथम विंध्य की मांग को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने किया आह्वान। इसके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा अगर आप लोग चाहें तो प्रदेश में फिर से कांग्रेस की बन सकती है सरकार। सलाह देते हुए कहा कि सोशल मीडिया से बाहर निकलकर सड़क पर करें आंदोलन, जनता की मांगों को लेकर चुप ना बैठें। कमलनाथ ने इस मौके पर प्रशासन के अफसरों को भी दी चेतावनी। चुनाव को 17 माह बचे, इस दौरान 17 महीने का करें प्लान तैयार। देश विदेश की फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।